YT Tech Band ने हमसे कमेंट करके पूछा कि अगर मान लीजिए एक नया यूट्यूबर है, उसे अपने नए चैनल पर कंटेंट पोस्ट करना है तो कैसा कंटेंट डालना चाहिए? सर्चेबल डालना चाहिए या कुछ और डालना चाहिए? कोई तड़क भड़क डालना चाहिए, ट्रेंडिंग डालना चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं पूरा 7 साल का एक्सपीरियंस डालने वाला हूँ और एक ही वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि अगर आप सच में नए यूट्यूबर हैं तो आपको किस तरह का कंटेंट स्टार्टिंग में पोस्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है जी, वीडियो को लाइक कर देना है, क्रिएटर गाइड को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यह यूट्यूब के रिलेटेड बारीकियां आपको सीखने समझने को मिलती रहती है। देखिए, नया यूट्यूबर वाकई में कंफ्यूज रहता है, उसे मालूम नहीं होता कि वो किस तरह का कंटेंट डाले। और भाई साहब 90% यूट्यूबर तो दूसरे का वीडियो देख के सेम कॉपी करके डाल देते हैं, उनको लगता है कि इसी में ही मजा आ रहा है, और वो 90% यूट्यूबर फेल भी हो जाते हैं। और ये यूट्यूब की सच्चाई है कि 100 लोग अगर शुरू करते हैं तो 5-10 लोग ही आगे बढ़ पाते हैं, 90% 2-3 महीनों में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कॉपी करके डालते हैं। अब बात आती है उन 10 यूट्यूबर की जो सीरियसली यूट्यूब को स्टार्ट कर रहे हैं। उनको अब ये कन्फ्यूजन रहते हैं कि स्टार्टिंग में हम सर्चेबल कॉन्टेंट डालें या तड़क भड़क या ट्रेंडिंग क्या डालें। तो देखिए, दो चीज़ें। पहली बात तो हर तरह के कैटेगरी में आपको सर्चेबल कंटेंट मिलेगा ही नहीं, हर तरह की कैटेगरी में नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारी कैटेगरी में आपको सर्चेबल कंटेंट मिलेगा। और यूट्यूब एक्चुअल में देखा जाए तो वर्ल्ड का 2nd नंबर का एक बड़ा सर्च इंजन है, जहां पे बहुत ज़्यादा लोग आके सर्च करते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको वीडियो की शुरुआत करनी है, चैनल की शुरुआत करनी है, तो अगर आपकी जो कैटेगरी है, जैसे एजुकेशन हो गई, टैक हो गई, साइंस हो गई, रेसिपी हो गई, उसमें अगर आप ट्राई करें सर्चेबल कंटेंट भी बनाएं, क्योंकि सर्चेबल कंटेंट इसलिए बनाएं क्योंकि लोग यहां पे आके सर्च ही करते हैं। और जब आप सर्चेबल कंटेंट बनाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं कुछ तो सर्च में जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सर्चेबल ही कंटेंट बनाएंगे। अगर आप ओनली सर्चेबल कंटेंट बनाएंगे तो आपके चैनल की ग्रोथ तो होगी, बट बहुत स्लो होगी। तो सर्चेबल कंटेंट का फायदा यह होता है कि एक तो आपके चैनल को कभी कभी सर्च के माध्यम से रीच मिल जाती है, और अगर वीडियो पर जैसे मान लो आपने सर्चेबल कंटेंट बनाया, जैसे मान लो आपने बनाया कि हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, या हाउ टू प्रिपेयर मटर पनीर, या हाउ टू विजिट लंदन, कुछ भी आपने बनाया, कोई भी ऐसा टॉपिक बनाया जिसमें आपको लगता है कि लोग सर्च करते हैं, और उसमें आपने ये देखा सर्चेबल कंटेंट बनाते वक्त कि हाँ इसका कॉम्पिटिशन थोड़ा लो है और सर्च वॉल्यूम इसका ज़्यादा है, वो बहुत सारे थर्ड पार्टी जो टूल्स हैं उनसे आप चेक कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको डिस्कवरी मिल सकती है और आपका कंटेंट जो है सर्च में जा सकता है। सर्चेबल कंटेंट की एक और भी खासियत है कि आपका कंटेंट मान लो 100 लोगों को दिखाया गया सर्च में, 10 लोगों ने देखा, अगर उन्होंने अच्छा CTR और अच्छा एंगेजमेंट डाल दिया आपके वीडियो पर, लोगों को आप एंगेज कर पाए, तो YouTube फिर ज़्यादा ज़्यादा सर्च में आपके कंटेंट को दिखाने लगेगा और वो कंटेंट बूस्ट होने लग जाएगा। सर्चेबल कंटेंट बहुत लंबे टाइम तक चलता है, इसका एक्सपायरी डेट जो है बहुत लंबा होता है, मतलब वीडियो जल्दी एक्सपायर नहीं होता, लंबे टाइम तक लोग देखते रहते हैं, तो आपको व्यूज मिलते रहते हैं और आप जीवन भर इससे पैसा कमाते रहते हैं। ऐसी वीडियोस को हम एवरग्रीन वीडियोस बोलते हैं। हमारे चैनल पर भी आपको ऐसी एवरग्रीन वीडियोस बहुत मिलेगी, तो जब आपका चैनल कभी डाउन होगा फ्यूचर में तो ये वीडियो सर्च में चलते रहेगा, आप पैसा कमाते रहेंगे। लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में अगर आप सिर्फ सर्चेबल कंटेंट बनाएंगे तो आपको मैंने बताया ग्रोथ धीरे धीरे मिलेगी, तो आप थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक पर भी ध्यान दीजिए। अब ये ट्रेंडिंग टॉपिक हर कैटेगरी में होता है क्या? बिल्कुल होता है जी, हर कैटेगरी में आपको थोड़ा सा अपडेट रहना है, हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ मुद्दे चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज चलती रहती है, तो ट्रेंडिंग टॉपिक पर भी बनाइए। अब ट्रेंडिंग टॉपिक पर आप बनाएंगे, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर बनाया गया वीडियो वायरल हो जाएगा। बट अगर मान लो आपने 10 बार अटेम्प्ट किया, कोई 10 ट्रेंडिंग टॉपिक पर आपने 10 वीडियोज बनाई, तो उसमें एक दो वीडियो आपकी निकल सकती है, और एक दो वीडियो जब आपकी निकलती है तो ट्रेंडिंग वीडियो क्या होते हैं कि एक्सपायरी डेट छोटी होती है, 1 वीक 10 दिन, पर उसके बाद ट्रेंड बदल जाता है। उस ट्रेंडिंग के अगर मान लो ना लहर में आपकी वीडियो निकल गई तो बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा रीच आपको मिल जाएगी, तो बहुत ज़्यादा लोगों के ब्राउजर में आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, मतलब आपके चैनल की, फिर बाद में आप अगर वीडियोस बनाएंगे तो देख सकते हैं। लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक बनाने का एक नुकसान है, जब आप एक गलती करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे कोई नया चैनल है, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, वो अपनी कैटेगरी से रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो नहीं बना रहा, कुछ भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, बस उसने व्यूज के लिए वो वीडियो बना दिया किसी अलग टॉपिक पर, या उसने अपनी कैटेगरी को उससे रिलेट करके वीडियो नहीं बनाया, और अगर उसका वीडियो गलती से वायरल हो भी गया तो अलग ही कैटेगरी की लोगों के पास वो वीडियो पहुंच जाएगा, और जब वो अपनी एक्चुअल कैटेगरी का वीडियो डालेगा तो लोग देखेंगे नहीं, इससे सब्सक्राइबर तो बड़े मिलेंगे लेकिन और वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे। तो मेक श्योर आप जब भी ट्रेंडिंग टॉपिक को टच करें नए चैनल पे, तो या तो अपनी कैटेगरी से रिलेट करके बनाएं, या फिर आप अपनी कैटेगरी का ही ट्रेंडिंग टॉपिक चुने, उससे आपको फायदा होगा।
अब मान लीजिए इसके अलावा एक तीसरा टॉपिक और होता है, और वो टॉपिक होता है कि कोई भी वीडियो है जो ट्रेंडिंग में नहीं है, बट एक ऐसा वीडियो है जिसको ज्यादा सर्च तो नहीं करते, बट ये वीडियो को दिखाने से, उसका थंबनेल और टाइटल देखने से लोगों को थोड़ा क्यूरियोसिटी आएगी, थोड़ा सा क्यूरियस तो होंगे होंगे और इस वीडियो को देखेंगे, वैसा वीडियो भी आप बना सकते हैं। भले ही 100 लोगों को इंप्रेशन भेजे यूट्यूब, लेकिन अगर लोग क्यूरियस हैं तो आपके वीडियो पर ज्यादा क्लिक करेंगे, CTR बढ़ा के देंगे और आपको एंगेजमेंट ज्यादा मिलेगा, तो उस वीडियो को भी ज्यादा जो है बूस्ट किया जाएगा यूट्यूब की तरफ से। तो कुल मिला के एक नए यूट्यूबर को मिक्स कॉन्टेंट बनाना चाहिए, थोड़ा बहुत सर्चेबल कॉन्टेंट भी बनाना चाहिए, थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग को भी टच करना चाहिए, और थोड़ा बहुत उसको ऐसे भी वीडियोज बनाने चाहिए जिसके लिए लोग क्यूरियस हो जाए और वीडियो को देखें, थोड़ा तड़क भड़क कॉन्टेंट बनाए। तीनों तरह का अगर टॉपिक आप मिक्स करके बनाएंगे, जैसे मान लो वीक में आपको 4 वीडियो बनानी है, आपने 2 सर्चेबल बना दिया, एक ऐसा ट्रेंडिंग बना दिया, एक ऐसा बना दिया, तो आपके चल के ग्रोथ होने के जल्दी चांसेस बढ़ जाएंगे। आई थिंक मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।